नमस्कार, कोसी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम कुर्सेला के मस्जिया में मौजूद हैं। यहाँ पास में आपको ईदगाह दिख रहा होगा, काफी सारे बच्चा उत्साहित हैं, जो चाट चौमिन छोले जो होता है मेले का एक तरह से कहा जाए तो वो आनंद ले रहे हैं। आपको हम बता दें कि आज 30 रोजे के बाद जो है ईद उल फितर यानी कि ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहाँ सभी जो है यहाँ पे पहुंचे हुए। थोड़ा सा हम कैमरा मैन से चाहेंगे कि हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, हम आपको दिखाएंगे। पहले तो इस सड़कों का दृश्य देखिए कि यहाँ पर कितनी संख्या में जो है यहाँ पर ईद त्यौहार को सेलिब्रेट लोग कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे पास कैमरा पर्सन बढ़ते रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक शख्स है, उनसे भी हाँ सर से भी जानेंगे। हाँ। सर, आज ईद पर मनाया जा रहा है, ईद उल फितर है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, हम तो यही कहेंगे, सबसे दुआ करेंगे कि जितना भी रोजा रखे हैं बच्ची बच्चा जितना भी है छोटा बच्चा, वो बहुत नेक काम का काम करे है, बहुत औसा आगे साल भी उसको अल्लाह हिदायत दे रोजा रखें, और बहुत बड़ा सवाब का काम है जी। हर साल जितना बढ़ते जाए, बच्ची लोग भी, ये लोग का बच्ची का भी फोटो ले लीजिएगा जितना भी। ईद का नमाज अदा करने के लिए आज मुस्लिम भाई काफी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ ईदगाह संख्या कम से कम होगी यहाँ पे। यहाँ ईदगाह में कम से कम जो है 2-4 हजार आदमी हो जाते हैं हर साल जी। हाँ, बहुत संख्या में होते हैं। हम लोग ऊ बाजार से आते हैं, यहाँ मिलजुल करके जो है सब गला मिलते हैं, अभी गला भी मिलेंगे, गला का भी जो है सारा चीज हो जाएगा। आपका परिचय जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शीद अंसारी। चलिए तो देखिए, मोहम्मद मुर्शीद अंसारी जी बता रहे थे कि ईद को लेकर यहाँ काफी संख्या में नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे हुए, काफी बच्चे हैं, बहुत सारे लोग जो है रोजा भी रखे हुए थे, उनसे भी जानेंगे। आप लोग रोजा रखे थे क्या? कितना रोजा रखे? 30 रोजा। 30 रोजा पूरा रखे थे। देखिए ये कह रही है कि 30 रोजा रखी है, क्या नाम है तुम्हारा? इधर सुनो, तुम भी रोजा रखी है? रोजा रखी थी क्या? नहीं रखी थी। आप रोजा रखे थे? कितना रोजा रखे थे? 30 रोजा। 30 रोजा पूरा कर लिए। क्या नाम है? रेशम खाता। कहाँ घर है? मसवार मस्जिद। तो देख सकते हैं जो बच्चियां हैं वो कह रही हैं वो 30 रोजा रखे हुए थे, और काफी संख्या में यहाँ पर जो है छोटे बच्चे से लेकर लड़की महिला है और जो है बुजुर्ग और युवा साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको बता दें कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो है यहाँ पर कुर्सेला पुलिस जो है मुस्तैद है, यहाँ पे थाना प्रभारी भी आए हुए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय जी और साथ ही जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने का, और देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मुस्लिम भाई है ईदगाह में आए हुए हैं और एक नमाज अदा करने के बाद जो उनकी आगे की प्रक्रिया होती है उनमें सब जुटे हुए हैं। देखिए तो काफी संख्या में यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसा यहाँ जानकारी मिल रहा है कि सैकड़ों से भी अधिक की संख्या में यहाँ पर मुस्लिम भाई आए। आप लोग रोजा रखे थे, कितना रोजा किए? फुल रोजा किए। फुल मतलब कितना दिन का? 30 रोजा। 30 रोजा पूरा रखे। कहाँ से आपका? कहाँ? कुर्सेला। क्या नाम है आपका? मुबारक। देख सकते हैं मुबारक जी कह रहे हैं कि वो 30 रोजा रखे थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम बच्चे से जानेंगे। आप लोग रोजा रखे थे जी? कितना रोजा रखे? 30 रोजा। आप भी रखे थे? रह जाते थे? खाना उना तो खाते नहीं होंगे, पानी भी नहीं पीते होंगे? 30 रोजा पूरा कर लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिसान। घर कहाँ है? बसवार मस्जिद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी रोजा रखे थे क्या? कितना रोजा रखे? 30। आप भी 30 रोजा रखे? कि सिर्फ कह रहे हैं कि रखे थे? रखे थे। अच्छा एक बात बताइए, दिन में क्या क्या करते थे? क्या क्या करते थे दिन में? सोते थे, पढ़ते थे। खाना उना पानी उनी? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं पेट में, मतलब कुछ नहीं जाना है? 30 दिन पूरा कर लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? MD शाहजहां। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतने छोटे से MD शाहजहां जी कह रहे हैं वो 30 रोजा यानी कि जो रमजान महीने के जो रोजा होते हैं वो 30 रोजा पूरा किए, और आज ईद उल फितर के मौके पर या नमाज अदा करने के लिए आए थे। हाँ। अच्छा और सब लोगों के लिए क्या मैंने कामना किए, अल्लाह से क्या कामना किए? बहुत कामना किए। क्या मांगे अल्लाह से? क्या मांगे? सब ठीक ठाक रहे जी, घर परिवार अच्छा से चले। हाँ। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतने से छोटे उम्र में जो है सब ठीक ठाक रहने की दुआ मांग रहे हैं। बहुत सारे और भी छोटे भाई हमारे साथ मौजूद है। आपने रोजा रखा था क्या? हाँ। कितना रोजा रखा? 30। कितना? 30। 30 रोजा रखा।
सभी कह रहे हैं कि 30 रोजा रखे हैं, हालांकि देखिए जितने उम्र है इनके, अब सोचिए कि 30 रोजा रखना एक बड़ी चुनौती है इन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि 30 रोजा रखे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। अल्लाह से क्या दुआ किए? अल्लाह से दुआ किए सब ठीक ठाक रहे। सब ठीक ठाक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे साथ। अच्छा आप लोग रोजा रखे थे क्या? जी। कितना रोजा रखे? 30। अरे भाई सब बोल रहे हैं 30, सच बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही? जी। ऐसे जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिसान। 30 रोजा रख लिए जी। अल्लाह से क्या दुआ किए? सब चीज ठीक ठाक रहे। सब चीज ठीक ठाक रहे। बहुत देखिए भाई लोग काफी उत्साहित हैं। अच्छा एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए। आज जो है रमजान महीना खत्म होने के बाद जो है ईद पूरा हुआ, आज ईद उल फितर है, काफी उत्साहित मुस्लिम भाई हैं, आप क्या दुआ किए अल्लाह से ये बताइए? अल्लाह से दुआ मांगे कि सब कुछ बीमार है सब ठीक ठाक रहे जी, और खुशी से जिंदगी। आज आज भोजन में क्या क्या बनेगा ये बताइए? सेवई, दूध, सेवई और दूध बोला जी। तो देख सकते हैं भाई काफी उत्साहित है, क्योंकि कितना रोजा रखे थे? 30 रोजा रखने के बाद जो है अब ये लोग जो है रोजा पूरा हो चुका है, अल्लाह से दुआ मांग चुके हैं, और अब जो है ये सेवई दूध ये सब का जो एक तरह से क्या है खा के आए हैं? नमाज से। अच्छा नमाज से पहले खा के आए हैं भाई? कितना रोजा रखे थे? 27। क्या बोले? कुछ भाई जो है इधर से थोड़ा सा साइड ले रहे हैं, क्योंकि उन बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन अब सोचिए कि छोटे भाई भी और बड़े भाई भी, यानी कि 30 रोजा रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 30 दिन वो दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, और जैसा जानकारी मिलता है कि अच्छा रोजा में रोजा जो आप लोग रखते हैं किस किस चीज को विशेष में ध्यान रखते हैं? सिर्फ खाना नहीं खाते हैं कि और भी कुछ बात है? पानी गुड़िया ये सब न खाना चाहिए, नशा उशा भी नहीं करते ना। अच्छा एक चीज हम सुने हैं कि इसमें आँख कान नाक का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वजू करते हैं क्या? वजू करके आते हैं जी। अच्छा एक चीज बताइए, क्या रोजा रखने के दौरान हम किसी से झूठ बोल सकते हैं? नहीं। क्या रोजा रखने के दौरान किसी को गलत निगाहें से देख सकते हैं? नहीं। क्या रोजा रखने से किसी का गलत हम सुन सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं कि यानी कि सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, बल्कि जो कहा जाता है मुस्लिम भाइयों में कि आँख कान और नाक मतलब हर चीज से बीमारी भी नहीं होता है। देखिए भाई कह रहे हैं कि रोजा रखने से बीमारी नहीं होती, निश्चित रूप से जब शरीर साफ होता है तो आपका मन साफ होगा और विचार साफ होगा तो अच्छे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और भी बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, हम धीरे धीरे आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ पर भीड़ लग चुकी है, तो हम चाहेंगे आगे जाके फिर बात करते हैं। चलिए दूसरे साइड हम चलते हैं, ठीक है? चले तो हम थोड़ा दूसरे साइड कुछ भाई से बात करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कितना रोजा रखे थे। अरे तुम लोग उधर जाओ, कितना रोजा रखे थे क्या कुछ? आज जो है ईद उल फितर यानी कि ईद का त्योहार है, आप लोग रमजान का रोजा मनाने के बाद रमजान महीने में आज फाइनल जो है ईद मना रहे हैं, आप लोग नहीं फंसाइएगा। आप ये बताइए कि आप कितना रोजा रखे थे? 30 रोजा रखे थे। 30 रोजा पूरा रखे थे? पूरा रखे थे जी। आज जो यहाँ पर ईद का नमाज अदा करने पहुँचे हैं, क्या दुआ किया अल्लाह से? हम लोग ऊपर वाले से दुआ किए कि आगे साल सही सलामत रखे की और ज्यादा रखे बढ़िया से, मतलब फिर से हम रमजान का महीना मनावे और ईद करे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? MD सैफ अली। तो MD सैफ अली जी बता रहे हैं कि 30 रोजा उन्होंने रखा, हालांकि काफी बच्चे भी ये चीज कह रहे हैं, हम कुछ और भी लोगों से जानेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हटो आइए। चलिए तो एक भाई और भी है, इधर आइए। अरे जबरदस्ती नहीं, एक भाई और भी है, इनसे जानेंगे। रमजान का महीना है, ईद आपने किया है, और आज जो फाइनल ईद उल फितर का त्योहार मना रहे हैं, जी जी, अल्लाह से क्या दुआ किए? दुआ किए कि हर साल ऐसे रहे, बनाते रहे जी, हर साल बढ़िया से सब भाई मिलके अपना जी किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? MD फलीम। कितना रोजा रखे थे आप? हम रोजा नहीं किए थे। रोजा नहीं किए थे, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम बोले? फलीम। हलीम। फलीम, फलीम। हलीम। हलीम भाई रोजा नहीं रखे थे, लेकिन ईद का जो नमाज अदा करने पहुंचे हैं और अल्लाह ताला से दुआ किए हैं कि सभी जो है अपने भाईचारा के साथ रहे और अगले वर्ष भी फिर से ईद आवे और उन्हें मनाए। चलिए तो कुछ लोग भाई दुआ कर रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा पर जाएंगे, सिर्फ दिखा दीजिए कि अभी भी दुआ कर रहे हैं।
अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। चलिए, तो इमाम साहब जो है सभी मुस्लिम भाई को जो है ईद का त्यौहार एक तरीके से जो है करवा रहे हैं। देख सकते हैं सभी यहाँ पर दुआ कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी बच्चे से भी हमने बात किया और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो प्रशासन की ओर से यानी प्रतिनिधि की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है कि विधि व्यवस्था सही बने रहे, तो उसी मौके पर पुलिस प्रशासन के भी कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही प्रशासन के जो है वीडियो साहब अजय जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर ईद उल फितर के जो यहाँ पर नमाज अदा हो रही है, हमारे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं। लोग रमजान महीने में जो है रोजा रखे थे, कितना रोजा रखे? 30 रोजा। 30 रोजा रखे। कहाँ से आपका, कहाँ घर है? मलेनिया। क्या और क्या नाम है आपका? अजमेरी खातून। देखिए, अजमेरी खातून जी बता रहे हैं कि वो 30 रोजा रखे, आज यहाँ ईदगाह पहुँचे हैं, किस लिए? 25 रोजा बर्फ करने के लिए। क्या चीज का? ईद का। नमाज अदा करने आए हैं? हाँ। आप कितना रोजा रखे थे? देखिए, कुछ बच्चा भाग रही है लेकिन इनसे उधर मिल रहा है बहुत।